जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। चलिए ऐसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के टॉप क्वेश्चंस। ये सभी दोस्तों टॉप क्वेश्चंस होंगे। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिरोजाबाद चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगरा कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों चेन्नई भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है, आपको बताना है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुशील चंद्रा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, क्वेश्चन है दोस्तों मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, अब आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन दोस्तों सिप्रा या छिप्रा नदी किनारे बसा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। अब आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवंतिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है, अब आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संस्कृत देवभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है, आपको बताना है अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अब आपको बताना है अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं अयोध्या कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस ने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। यस ने अभी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे दोस्तों। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अब आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर बसा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी को, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी को। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 27 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अब आपको बताना है बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बिहार की सीमा कर्नाटक राज्य से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब आपको बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये भी क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिकर्णिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आंसर करिए क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, सभी लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए केरल,
ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। अब आपको बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। अब आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अब आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अब आपको बताना है डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डालमा वन्य जीव अभ्यारण झारखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। अब आपको बताना है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। दोस्तों आर्मी के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वंकिम चंद्र चटर्जी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक वंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आंसर करिए, आपको बताना है नाटो का फुल फॉर्म क्या है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आंसर करिए क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमध्य रेखा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है।
अब आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमर्त सेन। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को अमर्त सेन ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, आपको बताना है एजुकेशन किस सूची का विषय है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंकरेंट लिस्ट। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी मंदिर। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, अब आपको बताना है सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेबका रानी को। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रेबका रानी को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, अब आपको बताना है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कथकली में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पर ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नादिर शाह को। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, आपको बताना है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के टॉप क्वेश्चन डिस्कस किए, विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ऐड निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।